जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये एक तो ये सुन के कि ये हादसा हुआ जनावाला में इन आबादी हमें बड़ा अफसोस हुआ। हम तमाम लोग जो हैं हम सब ने इकट्ठे हुए और हैरानी की बात यह है और सोचने की बात कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक इन लोगों को बेचारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं, आपस में कम्युनिटी आराम से रह रहे थे। तो ये जो हुआ है इसका बेहद अफसोस है। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए, ना कभी हुआ है। तो जो शरपसंदों ने किया है उनका ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही कर लेगी सब। हम यहाँ पे आए हैं अपना आपके दुख में शरीक होने के लिए और इंशाल्लाह ताला एक कमेटी में बना रहा हूँ अपना चौधरी तहरुद्दीन साहब, आप इसकी सरबराही करें, मेहरबानी। कम्युनिटी से भी रोक लें और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठें और जो भी बेहतर चीज़ हो सकती है उसके लिए आप हुक्म करें, हमें हाजिर। मेरा ख्याल ये मेरी जो एक रिकमेंडेशन है कि एक कम्युनिटी सेंटर जो है उसको बनना चाहिए ताकि तमाम कम्युनिटी का उसी के अंदर हो। मेरा पंजाब हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने जो भी मुतासर खानदान को किया है वो बहुत अच्छी बात है, मगर हम एक अजमाई कम्युनिटी के लिए भी काम करेंगे। हम लोग काम पाकिस्तान पार्टी हमने नहीं बनाई, हम तमाम लोग उसके अहदेदार हैं और हम उस पार्टी की तरफ से बाकी तमाम लोगों की तरफ से हम यहाँ आए हैं ताकि आपके साथ हम यकीनी में गुजारा करें। जनाब तरीन साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाते हुए सारी कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी सेंटर जो के हर खुशी गमी में भी और मौकों पे भी काम आया करेगा, उसके लिए 1 करोड़ रुपया फौरी तौर पर उन्होंने अनायत किया है, जिसको के डीसी साहब के अंडर कमांड मैं भी लुकड ऑफ पे करूँगा तो उनको दे दिया जाएगा, वो बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसका ये बताइएगा कि तमाम जो है वो करता है जो है इस हवाले से कोई देखिए मैं इसको बात को लंबा नहीं करना चाहता, अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं मकामी उन्होंने कोई चीज़ गलत नहीं की, आराम से ऐसे पहले रह रहे थे वैसे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं, तो इनकी तो कोई कसूर किसी चीज़ में नहीं है ना। तो ये जो सब हादसा हुआ है ये अफसोसनाक। थैंक यू, थैंक यू।